हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आज का वचन मैं आपसे शुरू करने से पहले एक वचन बताना चाहता हूं। मत्ती का 4:17, उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मलाकी के बाद 400 साल तक परमेश्वर खामोश रहा, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड। महायाजक फारिसीस जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे, जो मूसा की व्यवस्था को जानते थे, वो जानते थे लेकिन उसको समझते नहीं थे, उसके अनुसार नहीं चलते थे। हालेलुया। 400 साल खामोश रहने के बाद परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को धरती पर भेजा और उसने कहा, मन फिराओ, मार्ग तैयार करो क्योंकि प्रभु आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने अपना पहला प्रचार शुरू किया जब उन्होंने उपवास करने के बाद, जब शैतान से वाद विवाद हुआ, शैतान वहां से चला गया और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर आए और उन्होंने पहला प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने पर परमेश्वर क्यों जोर दे रहा है? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मन फिराओ? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को जानो, यानी कि संसार से फिराकर, संसार से अपना मन जो तुम्हारा भटक रहा है, तुम्हारा मन संसार में, उस संसार से हटाकर अपने आप को देखो। हम समझते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार नहीं है, हम संसार को ज्योति में समझते हैं कि संसार एक ज्योति रूप है। हालेलुया। खाने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, रहने खाने की भी चीजें हैं, हर चीज हमें मुहैया है। हालेलुया। हम इस रहने, अपने घर को, अपने बिजनेस को, चकाचौंध को हम ज्योति समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो ज्योति नहीं है, वो है अंधकार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मन फिराओ और खुद को देखो। आप संसार को देख रहे हो और संसार को ज्योति समझ रहे हो, लेकिन जब तुम खुद को देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर अंधकार है। जब तुम खुद को देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन चीजों को मैं ज्योति समझ रहा था, जो चीजें मैं अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानता था, उन चीजों की कुछ भी अहमियत नहीं है मेरे लिए। ये सब नाश होने वाली है, ये घर, ये पैसा, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ नाश होने वाला है जिस दिन आप अपने अंधकार अपने अंदर झांकते हैं। इसलिए वो कहता है, अपने अंदर देखो, मन फिराओ, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है, अगर तू अपने आप को नहीं जान पाएगा, जिस दिन तू खुद को जानेगा उस दिन तू परमेश्वर को जानेगा। हम परमेश्वर को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम कहां कमजोर हैं, हम नहीं जानते कि हमारे कौन से एरिया में अंधकार है, कौन सा एरिया हमारा अंधकार पूर्ण है। इसलिए वो कहता है, मन फिराओ, और जब तू मन फिराएगा, अपने अंधकार को देखेगा, और उसके बाद जब तू उस अंधकार से निकलेगा तो यीशु की भलाई को जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब तू जानेगा कि मेरा प्रभु कितना महान है, तब तू जानेगा कि मेरा यीशु इतना प्यार करता है मुझसे, मेरा परमेश्वर इतना प्यार करता है मुझसे। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने जब दुनिया बनी, जब दुनिया रची, तो मुझे सोचा, मुझे रचा अपनी समानता, अपने स्वरूप में। और जब से उत्पत्ति से दुनिया बनी है, तब से परमेश्वर सिर्फ मेरे ही बारे में सोच रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, हर पल हर क्षण प्रभु परमेश्वर हमारे लिए चिंतित है। मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे कहां जाएंगे, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। इसलिए उसने वक्त वक्त पर नबियों को भेजा, नबियों के द्वारा अपनी बात कही कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। अगर आप देखेंगे पुराने, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरीके से अपने इसराइलियों को बचाता था, कभी कभी दुश्मनों के हाथ देता था, फिर भी उनको देखता था कि दुश्मनों के हाथ पड़ने के बाद अगर मेरा बच्चा मुझे पुकारेगा तो उसी समय उसको छुड़ाता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इतना प्रेम करता था, करता है।
लेकिन हमारा प्रेम संसार में ज्यादा बढ़ गया है, हमारा प्रेम संसार में इतना ज्यादा संसार के लिए अटक गया है, संसार में हम इतना ज्यादा समर्पित हो गए हैं कि हम परमेश्वर को भूल गए, हम परमेश्वर को देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि यीशु आया, उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, जब तक तुम खुद के अंधकार को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें उस ज्योति की जरूरत नहीं महसूस होगी। तुम नहीं समझ पाओगे ज्योति क्या है, तुम नहीं जान पाओगे कि ज्योति की अहमियत क्या है। मुझे ज्योति क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि आप अंधकार में हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे करीब है। मन फिराओगे तो आशीष पाओगे, मन फिराओगे तो यीशु की भलाई को जानोगे। पतरस रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल डालता रहा। वचन कहता है कि पसीना बहाता रहा मैं, यीशु मुझे एक भी मछली नहीं मिली, मैंने जाल डाला। यीशु ने कहा, पतरस नाव को गहराई में ले चल और नाव के दाहिनी ओर जाल डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब पतरस उसे देख रहा था और कह रहा था, यीशु मैं एक मछुआरा हूं, बचपन से मैं मछलियां पकड़ता हूं और तू मुझे बता रहा है? रात भर मैंने मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला लेकिन एक भी नहीं आई। मछलियां रात को पकड़ी जाती हैं और तू कह रहा है दिन में चलूं मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो क्या कह रहा था? यीशु तुझे कुछ नहीं पता, मैं तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूं, लेकिन सबके सामने बोल नहीं सकता, इसलिए ठीक है तेरे कहने पर चलता हूं। तू जो कह रहा है कभी कभी होता है, तेरे कहने पर मैं आज्ञा मानता हूं। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, हजारों मछलियां उसके जाल में आ गई। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंधकार ने उसे रोका हुआ था, उसका अंधकार उसे यीशु को पहचानने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला और मछलियां आई, जैसे उसने यीशु की भलाई को देखा, उसने कहा, अरे मैं कितना पापी हूं, ये परमेश्वर का पुत्र, ये यीशु जो मेरे लिए सोच रहा है, जो मेरे सुख के लिए सोच रहा है, मैं उसके लिए गलत सोच रहा था। वो कहता, यीशु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो अपने अंधकार को नहीं देखता तो यीशु की भलाई को नहीं जान पाता। जब तक हम अपने अंधकार को नहीं देखेंगे मेरी बहन, अंधकार, तब तक हम उसकी भलाई को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका 16 का 4, यहां पर परमेश्वर से यीशु मसीह का चेला कहता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। ध्यान दीजिए, आज हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी मम्मी से, हमारी सास से, हमारे पिता से, हमारे पति से। प्रेज द लॉर्ड। और हम ईगो में आकर रूठ जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उसे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या कहता है? हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा करना है। क्या कहता है? यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे, वह 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। वो क्या कहता है कि यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे, 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब तक क्षमा करता रहे जब तक वो अपने अंधकार को देख ना ले। जब वो अपने अंधकार को देखेगा, वो मन फिराएगा। जब वो अपने अंधकार को देखेगा, वो परमेश्वर की ज्योति को पहचान पाएगा, यीशु की भलाई को जान पाएगा। मेरी बहन, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे लिए कितनी है, यह हम नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक अंधकार है, हमारे अंदर कठोरता है, हमारे अंदर संसार है। हम विश्वास करते हैं लेकिन नहीं करते, विश्वास करते हुए भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु कहता है मन फिरा, तभी तो उस प्यार को, उस ज्योति को, मेरी भलाई को समझ सकेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैंने तुझे क्यों रचा है, मैंने क्यों तुझे अधिकार दिए, क्यों मैंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दिया है। तू कब जान पाएगा? जब तू अपने अंदर से अंधकार को निकालेगा। इसलिए मन फिरा और मेरे करीब आ। बिना मन फिराए हम यीशु के करीब नहीं जा सकते, हम यीशु को पहचाने नहीं पाएंगे, उसकी दया को, उसकी करुणा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अंधकार है, संसार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फतरस के अंदर से अंधकार निकला, हजारों मछलियां उसने आज तक नहीं देखी थी, दोनों नाव डूबने लगी, लेकिन जैसे ही वो अंधकार उसके अंदर से निकला, उसने एक पल भी उन मछलियों को नहीं देखा, यीशु के पीछे हो लिया। मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, अगर आप अपने अंधकार को हटाएंगे, आप उसके बिना जी नहीं पाएंगे, आप यीशु के बिना जी नहीं पाएंगे। जिस दिन आप में से अंधकार हट गया, और अंधकार जो है वो डर लेकर आता है, अंधकार जो है वो संदेह लेकर आता है, अंधकार जो है वो संसार के अंडर हो जाता है, शंगुल में आ जाता है, षड्यंत्र को पहचानता नहीं है, क्योंकि अंधकार में आप नहीं पहचानते। प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार में जानेंगे आप? आपके पास नायाब चीज है, हीरा है आपके पास, और अगर आप अंधेरे कमरे में हैं, आप उसकी वैल्यू समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू? नहीं। उस हीरे को जांचने के लिए आपको लाइट जलानी पड़ेगी। अंधकार में आप शैतान की चाल को नहीं समझ सकते, परमेश्वर की भलाई को नहीं जान सकते। इसलिए जितने भाई बहन हमारे पड़ोस में हैं, हमारे हमारे परिवार में हैं, वो अंधकार में हैं और वो यीशु की भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे अपने, हमारी माएं, हमारी बहनें, वो उस परमेश्वर की भलाई को नहीं जान पा रहे हैं। क्या चाहता है यीशु मसीह? मेरे प्यार को जानो, मेरी भलाई को समझो। इसलिए वो कहता है मन फिराओ और मेरे करीब आओ। बिना मन फिराए हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। वो वैश्या मरियम मग्दलिनी, जिसके अंदर से सात दुष्टात्माएं निकाली थी यीशु मसीह ने, फारिसी उसे लेकर आ गए, ये है वो औरत जिसने व्यभिचार किया है, और मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि इसे मार के खत्म कर दो। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसके अंधकार को देखा। क्या चाहता था यीशु मसीह? उसके अंधकार को निकालना, उसके अंधकार से उसको बाहर निकालना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे माफ किया है, मैंने तुझे माफ किया है। वो अंधकार जिसके अंदर वो औरत थी, जिस अंधकार के संग वो जी रही थी, वो अंधकार उसमें से निकला। उसने यीशु की भलाई को जाना, उसने अपना सर्वस्व यीशु को दिया। वो 300 की दिनार की बोतल लाकर, इत्र की बोतल लाकर, उसने सबके सामने यीशु के पैरों में डाला और पोंछने लगी अपने बालों से। उसने बताया कि मैं तेरी भलाई को जान गई हूं यीशु। फारसियों ने संदेह किया, अरे ये औरत तो पापी ने, इतनी छू रही है। यीशु ने कहा, क्या सही है जिसके पाप, अगर मैंने किसी का कर्ज माफ किया है, एक ने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिया और एक ने मुझसे 500 रुपए कर्ज लिया, और मैंने दोनों का माफ कर दिया, कौन मेरी सेवा ज्यादा करेगा? जिसके 50,000 माफ हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस औरत के बहुत पाप थे जो माफ हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बहुत पाप थे जिन्हें यीशु ने माफ कर दिया है।
प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पाप थे हमारे, जिन पापों से हमको यीशु मसीह ने मुक्त कर दिया है। क्या हमारे अंदर वो एहसास है? क्या हमारे अंदर वो एहसास है जैसे वो पापी स्त्री के अंदर था, मरियम मग्दलीनी के अंदर था? सर्वस्व उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना प्रेम निछावर कर दिया सबके सामने, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी, क्योंकि उसे एहसास था, क्योंकि वो यीशु की भलाई को जान गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन से यीशु की भलाई दिखनी चाहिए, मेरे कर्मों से, मेरे चलने से, मेरे बैठने से। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मन फिरा, क्योंकि जब तक तू मन नहीं फिराएगा, तू बाइबल पढ़ता रहे, कलीसिया आता रहे, लेकिन अगर तू मन नहीं फिराएगा मेरा बच्चा, तो तू उसकी भलाई को नहीं जान पाएगा। वो क्या चाहता है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी भलाई जिस दिन आप जान जाएंगे मेरे भाई, आप उसकी भलाई में ही जिएंगे। एक ऐसा सुरूर आपके चारों तरफ होगा, एक ऐसा उन्माद, एक ऐसा आनंद आपके अंदर होगा कि आप चलते फिरते उसका गुणगान करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे, सोते उठते बैठते। जिस दिन आप उसकी भलाई को जान जाएंगे, हर एक पल आपका धन्यवाद करेगा, हर एक आपकी सांस धन्यवाद करेगी, क्योंकि यीशु की भलाई उसकी सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आया धरती पर, इसलिए वो कहता है मन फिराओ। इसलिए वो कहता है सतर्क रहो, अलर्ट रहो। हम उसकी भलाई जानने के बाद भी कभी कभी गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में दुख कहां से आते हैं? हमारी अपनी गलतियों से। भजन संहिता 120 एक और दो कहां से आते हैं? क्या परमेश्वर लाया हमारे लिए दुख? क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है मन फिराओ। परमेश्वर तो कहता है मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन संकट में आप जब अपने जीवन को लेके जाते हैं, तो उसका आधार कौन होता है? आप खुद। प्रेज़ द लॉर्ड। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। संकट में सुनने वाला यहोवा परमेश्वर महान है। उसका वादा है कि तुम संकट में पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वादा है कि जब भी तुम संकट में मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहां पर क्या कहता है भजनकार के? संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे सुन ली। आगे, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। यानी कि संकट परमेश्वर की ओर से नहीं आया था, संकट किसकी वजह से आया था? मेरे होंठों की वजह से, मेरे झूठ बोलने की वजह से, मेरे छल की वजह से संकट मेरे जीवन में आया। प्रभु संकट लेकर नहीं आया आपके जीवन में। आपके जीवन में संकट कौन लेकर आया? आप। क्योंकि आप उस भलाई को नहीं समझ रहे, उस भलाई को नहीं जान पा रहे हैं। हालेलुया। वो कहता है, हे परमेश्वर, ये जो जीभ है इसकी, क्या कहता है? नंबर तीन दिखाइए, नंबर तीन। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकाल देते हैं, और कभी कभी आपके मुंह से जब बात निकल जाती है तो सारा गेम खत्म हो जाता है। तब आपको लगता है कि मैंने क्यों कहा,
मैंने क्यों कहा, इसकी वजह से मैं फंस गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब आप पछताते हैं, हे छली जीव तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। तुझे मैं काट डालूं, तुझे मैं छेद डालूं, क्योंकि तेरी वजह से मेरे जीवन में संकट आया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन आपके मुंह में है। नीति वचन 18:21, मृत्यु और जीवन आपके मुंह में है, आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु और जीवन कहां पर है? आपके हाथ में है, और जो उसका उपयोग करना जानते हैं वो इसका फल पाते हैं। जीव के विषय में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, अपनी जबान को काम में लाना जानता है। शरीर का हर अंग जो परमेश्वर ने बनाया है, अगर उसे आप काम में लाना जानते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और संकट आएगा तो आपके पैरों के तले होगा। संकट आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने अंगों को सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। ये हाथ परमेश्वर ने किसी की सेवा के लिए बनाए हैं। हालेलुया। किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बनाए हैं। ये जीभ परमेश्वर ने बनाई है आनंद के लिए। ये परमेश्वर ने बनाई है स्तुति के लिए, आराधना के लिए। याकूब 3:6-9, 9 लगाइए पहले, 9-10। याकूब 3:9-10, ये जीभ परमेश्वर ने हर अंग बनाया है उसके उपयोग के लिए, कि हमें उसका उपयोग कैसे करना है, तभी हम उसकी महिमा कर सकते हैं, तभी हम वो आशीष पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 3:9, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है शाप देते हैं। आमेन। इसी जीभ से, इसी मुंह से हम कहते हैं स्तुति, आराधना, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे आशीष दिया, धन्यवाद, तू महिमा के योग्य है, धन्यवाद, उसकी प्रशंसा करते हैं, और इसी से हम गुस्से में आकर शराब देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने अंग को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी का दसवां क्या कहते हैं? इसी का दसवां, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमेन। जिस मुंह को परमेश्वर ने दिया है ताकि आप स्तुति करें, आप महिमा करें, आप किसी के लिए आशीष का कारण बने। अगर आप किसी को दुख नहीं, सुख नहीं दे सकते हैं, तो आप किसी को दुख भी मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, तो आप अपनी जीभ से, अपने मुंह से उसको आहत मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो ये जो चीजें हैं, आपका झूठ बोलना, आपका दोष लगाना, ये सब चीजें क्या कर रहा है? आपके अंदर अंधकार लेकर आ रहा है। और यही अंधकार, देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, मती 6:31 में क्या कहा परमेश्वर ने, 31 और 33 में, कि तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, उसके बाद तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बैठिए बैठिए, हालेलुया, बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कहेंगे। 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की, यीशु की धार्मिकता क्या है? वो धार्मिकता आपको मिल चुकी है, जैसे ही आपने उधार लिया, जैसे आपका उधार हुआ, उसकी धार्मिकता आपके पास आ गई। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि हमें फारसियों की धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताना है, शास्त्रियों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताना है, हमें अपनी धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फारसियों की धार्मिकता और हमारी धार्मिकता में क्या चेंज है, मैं आपको बताता हूं आज। हालेलुया। मत्ती 5:21-22, मैथ्यू 5:21-22। देखिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बताया है कि फारसियों की धार्मिकता क्या है और मेरी धार्मिकता क्या है। ध्यान से सुनिए, समझिए।
21 और 22 में। हाँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोग से कहा गया था कि हत्या न करना। ये मूसा के अनुसार है, प्रेज द लॉर्ड, मूसा की व्यवस्था के अनुसार है। पढ़िए, दोबारा पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना। आगे, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रेज द लॉर्ड, जो भी हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये फारसियों की धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये फारसियों की धार्मिकता है। अभी यीशु की धार्मिकता क्या है जो हमें मिली है? 22वां पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, आमीन, जो कोई अपने भाई पर क्रोध भी करेगा वो दंड का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड, ये है, ये परिवर्तन है फारसियों की धार्मिकता और हमारी धार्मिकता में। यीशु ने जो हमें धार्मिकता दी है वो बहुत ही, इट्स नॉट ए इजी थिंग। उस समय क्या था? कोई हत्या करेगा तो उसको दंड मिलेगा, कोई हत्या करेगा तो उसको अदालत में सौंपा जाएगा, उसको दंड मिलेगा। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है कि कोई अगर क्रोध भी करेगा तो दंड के योग्य होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मन फिरा, क्योंकि तेरे मन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेला है, क्योंकि तेरे मन को यीशु ने शुद्ध किया है, तेरे मन में उसकी धार्मिकता है। मन फिरा, जब तू मन फिराएगा तो आशीष पाएगा। इसी का 27 और 28 निकालिए, 27वां 28वां। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, हाँ, कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रेज द लॉर्ड, फारसियों की आपका धार्मिकता क्या है? व्यभिचार मत करना। अगर तुम किसी औरत से गलत संबंध निभाओगे तो ये व्यभिचार है, ये पाप है। प्रेज द लॉर्ड, लेकिन यीशु की धार्मिकता क्या कहती है? कि तुम अगर किसी पराई स्त्री को गलत निगाह से देख भी लोगे तो ये पाप है, ये व्यभिचार है। ये है यीशु की धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड, तो हमें यीशु की धार्मिकता के संग चलना है। इसलिए वो कहता है मन फिरा, ताकि तू मेरी धार्मिकता को जान ले। मन फिरा ताकि मेरी धार्मिकता तेरे अंदर काम कर सके। किसी को क्रोध करना भी पाप है। ये है यीशु की धार्मिकता, यह है यीशु का चरित्र, और वो उसने हमें दे दिए। इसलिए कहता है कि मेरी धार्मिकता जो मैंने तुझे दी थी उसकी खोज कर, ये सारी चीजें तेरे पीछे रहेंगी। क्या चीजें? तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा। हम इसकी चिंता करते नहीं, यीशु की धार्मिकता की चिंता करिए जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है। वो कहता उसको खोजो। हमारे पास चंद रुपए आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, हमें गुमान आ जाता है। हम अपने बीवी को पता नहीं क्या समझते, पड़ोसियों को पता नहीं क्या समझते, जरा सी ताकत हमें घुमा देती है। नहीं, यीशु की धार्मिकता ये नहीं कहती है, हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में रहना है। जितना वो आशीष दे उतने दीन बन जाइए। हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं, आपको भर देगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसे अद्भुत आशीष देगा। ये उसकी धार्मिकता है। इसलिए वो कहता है मन फिरा, क्योंकि तू अगर मन फिराएगा तो मैंने जो धार्मिकता तेरे अंदर दी है तू उसको पहचान पाएगा। और मन कैसे फहराएगा? जब तू अपने अंधकार को देखेगा। जब आप अपने अंदर देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि मैं कहां, मेरे अंदर कितना अंधेरा है। प्रेज द लॉर्ड, जिस दिन आप खुद को पहचानने लगेंगे मेरी बहन, उस दिन आप यीशु को पा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए वो कहता है पश्चाताप कर।
जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारा मन सामने आता है। उस मन में जो अंधकार है उसे हम देखते हैं कि मैं इतना पापी था, मैं ये सोचता था, मैंने ये गुनाह किए। प्रेज द लॉर्ड, आज मुझे एहसास होता है, जब मैं बॉलीवुड में था, जब मैं हीरो था फिल्मों का, रोज दारू पीता था, सिगरेट पीता था, ताश खेलता था और उसके ऊपर अपनी बीवी को मारता था। वो मना करती थी शराब पीने के लिए, कोई भी औरत मना करेगी, मारता था। कुछ नहीं था मेरे पास, मेरा मकान गिरवी हो गया था, मेरा एक ही बेटा, कुछ नहीं था। 100-150 रुपए मेरी बीवी लेके आती थी झूठ बोलकर पड़ोसियों से, और मैं उसकी दारू पीता था। मैं पिक्चरों का हीरो था, अहम था, ईगो था, गाड़ी थी लेकिन पैसा नहीं था, पेट्रोल नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार में जी रहा था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी क्या प्रार्थना होती थी उस समय पता है आपको? मेरी प्रार्थना होती थी, परमेश्वर दया कर, कोई भी, मैं मूर्तियों को पूछता था, मैं नाम लेता था कि मुझे मुझे बुद्धि दे, आज ऐसी कुछ कला दे दे कि मैं किसी को बेवकूफ बनाऊं तो बेवकूफ बन जाए। आमीन, मैं ये प्रार्थना करता था, मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं किसी को बेवकूफ बनाऊं तो वो बेवकूफ बन जाए और मुझे 4 पैसे मिल जाए, चाहे उसका नुकसान हो जाए। इतना अंधकार में मैं जिंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे यीशु मिला, हालेलुया, मुझे मेरे अंधकार के बारे में बताया। आज जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मुझे इस इनोवा क्रिस्टा में बिठा रहा है, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन तूने अद्भुत आशीष दी मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस योग्य नहीं था परमेश्वर, लेकिन तूने मुझे छुआ और तेरी कृपा से मैंने अपने अंधकार को देखा और पश्चाताप किया और तूने मुझे चुनकर चट्टान पे खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मुझे हर पल यीशु की भलाई नजर आती है, मेरे हर काम में यीशु की भलाई नजर आती है, मैं जब चर्च में कुछ बोलता हूं यीशु की भलाई नजर आती है, किसी को आशीष मिलता है यीशु की भलाई नजर आती है मुझे, किसी को चंगाई मिलती है यीशु की भलाई नजर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद देता हूं मैं परमेश्वर का। इसलिए उस यीशु की भलाई को आप तब जान पाएंगे जब आप मन फिराकर अपने अंधकार को देखेंगे और प्रभु से कहेंगे कि नहीं, मुझे अंधकार नहीं चाहिए, मुझे यीशु ज्योति में रहना है, मुझे ज्योति में रहना है, तेरी ज्योति में ही मुझे सुख है, तेरी ज्योति में ही जीवन है, तेरी ज्योति में ही है सब कुछ, नहीं तो मैं कुछ भी, तेरी ज्योति में मैं समझ पाया हूं। नए नियम में परमेश्वर ने क्या बताया, यीशु ने नए नियम में क्या बताया, शैतान के बारे में। इससे पहले हम शैतान के बारे में नहीं जानते थे। 40 दिन की उपवास प्रार्थना हमें क्या बताती है, शैतान का इंट्रोडक्शन कि शैतान कैसे काम करता है, हमारे जीवन में शैतान कैसे काम करता है, हमें लेता है, हमारी बुद्धि में आता है, हमारी कमजोर जो हमारी चीजें हैं, हमारी जो कमजोर क्षेत्र है वहां पर आके बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और शैतान को पता है कि हमारे पास क्या अधिकार है, शैतान को यह भी पता है, शैतान को पता था कि यीशु मसीह पत्थर को बोलेगा और रोटी बन जाएगी, शैतान को पता हमारे पास क्या शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को तोड़ता है और हम जब तक अपने अंधकार में जीते हैं हम उस शक्ति के अंडर आ जाते हैं, शैतान के झूठ में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जो महान है इसलिए वो कहता है खोजो उसकी भलाई क्या है, हालेलुया। यशाया 30:23, अगर उसकी भलाई को आप समझना चाहेंगे, उसकी भलाई का एक वचन में आपको बताना चाहता हूं, यशाया 30:23,
जब आप अपने अंधकार को दूर करेंगे, जब आप मन फिराएंगे, तो परमेश्वर आपकी फसल पर ही वर्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया से देखिए, और वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। वो तुम्हारे ही जल में, तुम्हारे लिए ही जल बरसाएगा। हालेलुया। मेरी बाइबल में क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यशाया 30:23। हालेलुया। मैंने जब ये वचन पढ़ा अद्भुत तरीके से, तब वो खेत में बोए हुए तेरे बीज के लिए वर्षा देगा। जो बीज तूने बोया है, पड़ोस के खेत में वर्षा नहीं होगी, तेरे बोए हुए बीज पर वर्षा होगी। जिस दिन तूने उस अंधकार से निकलकर उस ज्योति को पहचान लिया, यीशु की भलाई को जान लिया, मेरे भाई चाहे दुनिया में कितना ही महंगाई क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि तेरे बीज पर वर्षा होगी। तेरे बीज पर, जो बीज तूने बोया है। हालेलुया। यह है उसकी भलाई, यह है उसकी कृपा। इसलिए उसकी भलाई और उसकी कृपा को हमें कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, यिर्मयाह 29:23। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे। आप अपने संपूर्ण मन से जब परमेश्वर को, यहोवा को ढूंढेंगे और यीशु आपके अंदर आएगा, आप पूरे मन से उसको खोजेंगे, आप पूरे मन से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप पूरे मन से उसके सामने आएंगे, आप दीन बन जाएंगे, शून्य बन जाएंगे कि नहीं, आप तब कहेंगे कि यहोवा हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। अगर तू है तो हम हैं, अगर तू नहीं है तो हम कुछ नहीं है। यीशु, उस दिन आपको एहसास होगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं। और यही प्रभु चाहता है कि हम जाने, यही प्रभु चाहता है कि मेरी भलाई देखकर आप जाने कि मेरे बिना तो कुछ नहीं है। और यही पतरस ने कहा था कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। हम कहां जाएं ये यीशु, हम कहां जाएं? क्योंकि ज्ञान तो तेरे पास है, उद्धार तो तेरे पास है। पतरस बोलता है मैं कहां जाऊं, हमें बोलना है हम कहां जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि भलाई तेरे पास है, उद्धार तेरे पास है, मुक्ति तेरे पास है, जीवन तेरे पास है, ज्योति तेरे पास है। हम कहां जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारा सिर्फ रास्ता एक है और वो है यीशु। वो है यीशु, उसके नाम में सामर्थ है, उसके उसी के नाम में शफा है। इसलिए वो कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, ताकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट खड़ा है। इसलिए उसकी धार्मिकता जो तुम्हारे अंदर है, उस धार्मिकता के अनुसार चलो, उस राज्य को खोजो। वो राज्य, वो धार्मिकता जो परमेश्वर की है, वो तुम्हें दे दी गई है, तुम्हें उसके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मत्ती 6:6 क्या कहता है कि अपने आप को दीन बनकर अपने कमरे में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर आओ? ध्यान दीजिए, कभी कभी हम जोर से प्रार्थना करते हैं, दुनिया को सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पास्टर को भी बताते हैं, दुनिया को बताते हैं मैंने ये पाप किए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते, अपनी बीवी को भी नहीं बता पाते। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन के जो हम बता नहीं पाते किसी को। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले अपने पिता से जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। तुझे परमेश्वर ने एक मंदिर दिया है, तुझे परमेश्वर ने एक रूम दिया है, जा उस रूम में जा। और क्या कर? सबसे पहले जाकर दरवाजा बंद कर, ताकि गुप्त में उसको बोल जो तू किसी से नहीं बोल सकता,
जो तू अपनी माँ से नहीं बोल सकता, अपने पति से नहीं बोल सकता, अपनी बेटी से नहीं बोल सकता, तू उससे बोल कि मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैंने ये गुनाह हो गया है, मैंने ये गुनाह कर दिया है। तू किसी से नहीं बोल सकता, उससे बोल। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि एक 24 घंटे में एक बार तू अपनी कोठरी खोल, 24 घंटे में एक बार तू अपनी कोठरी खोल और अपने अंदर जा, अपने अंदर जा और बोल परमेश्वर से कि मैंने जो तेरी इच्छा नहीं थी, अगर वो मैंने देखा है तो माफ कर, तेरी इच्छा नहीं थी जो मैंने बोला है उसके लिए माफी मांग, जो मैंने देखा है और तेरी इच्छा नहीं थी उसके लिए माफी मांग। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे मन में आया और तेरी इच्छा नहीं थी उसके लिए माफी मांग। क्योंकि मेरे भाई, हमें हर पल अपनी कोठरी को स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि यहां पर यीशु का वास है, यहां यीशु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां उसकी धार्मिकता है, उसकी दया है, उसका राज्य है, उसकी ज्योति है। इसलिए हमें इस कोठरी को दिन में एक बार अंदर जाकर साफ करना है। हम रोज अपने आप को नहाते हैं, रोज अच्छे कपड़े पहनते हैं, रात को उठते हैं, बिना नहाए कोई आता है नहीं, रात को उठते हैं और देखते हैं हमारा सिर, हमारे दांत, मुंह, सब कुछ, हमारा पूरे अपने आप को स्वच्छ करते हैं ऊपर से, ताकि हमारे अंदर से कोई बदबू ना आए। लेकिन उससे पहले अपने आत्मा को स्वच्छ करने के लिए नहाइए। प्रेज द लॉर्ड। सुबह जब अपने अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं मेरी बहन, अपने रूम को स्वच्छ करिए, अपने अंदर के रूम को स्वच्छ करिए, स्वच्छ करिए। प्रेज द लॉर्ड। तब प्रार्थना करिए। हालेलुया। क्या बिना ब्रश किया प्रार्थना करते हैं? क्या बिना मुंह धोए आप प्रार्थना करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप उस रूम में जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने इस रूम को तैयार करिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं मेरी बहन, मेरे ब्रदर, प्रभु से प्यार करिए, काम आपके पीछे आएगा। हम अपनी इच्छाओं की तरफ देखते हैं, हम अपने पापों की तरफ नहीं देखते, इसीलिए हम यीशु को नहीं पाते। जिस दिन हम अपने पापों को ध्यान से देखने लगे, तब हम यीशु को पा जाएंगे, यीशु को अपने अंदर हम महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरीके से आप अपने इस बच्चे को, जो 2 महीने के 3 महीने की बच्ची होती है, जो आपके कंट्रोल में है, वो क्या खाएगा, कहाँ बैठी है, उसकी ड्रेस कैसी है, वो जिस कुर्सी पे हाथ रख रही है बच्ची, वो जो कुर्सी धुली है कि नहीं धुली है। प्रेज द लॉर्ड। उसके हाथ तो गंदे नहीं होंगे, वो मुंह में डालने वाली है। एक एक चीज का आप आप लोग ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से हमें ध्यान रखना है अपना, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी कोठरी का ध्यान रखना है, ताकि हम स्वच्छ रहें। हालेलुया। और स्वच्छता के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। मन फिराओ, तुम्हें सिर्फ प्रवेश करना है, सिर्फ प्रवेश करना है। उसके दरवाजे खोल चुका है परमेश्वर, उसके दरवाजा खुल चुका है। वो आज भी कहता है, दरवाजे पे नॉक कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, अपने अंधकार को देखो। जब तुम करीब आओगे, तब जानोगे कि परमेश्वर कौन है, वो यीशु कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरा पिता परमेश्वर कौन है जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करो। मन फिराओ और परमेश्वर का आशीष आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कितनों ने वचन ग्रहण किया, कितनों ने वचन ग्रहण किया? प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। मन फिराइए, अपने अंधकार को देखिए, और जिस दिन अपने अंधकार को आप समझ गए, जान गए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर अपनी ज्योति आपके अंदर लेकर आएगा और वो अंधकार दूर हो जाएगा और फिर आप उसकी भलाई में अपनी जिंदगी को जिएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की।